नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय व्यूज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब सेफ है। जब तक केसेस कम नहीं हो जाते थोड़ा सेफ से रहिए, बाहर मत निकलिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो एक एप्लीकेशन स्कैम जो हुआ है, 290 करोड़ का स्कैम हुआ है, उस एप्लीकेशन के बारे में इसमें बात करने वाला हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, पावर बैंक करके एक एप्लीकेशन था जो यूज़र से इन्वेस्टमेंट करा के उनको हायर रिटर्न्स देने का वादा करके ये अमाउंट वापस नहीं देता था। और बहुत सारे कंप्लेंट आने के बाद बैंगलोर पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, मगर अमाउंट का अभी तक कोई भी बात नहीं निकली है। इनका जो मेन जो कंपनी ऑपरेट होती है वो चाइना से होती है। बैंगलोर में सिर्फ कंपनियां रजिस्टर करके उनको एक स्टार्टअप करके दिखाकर रजिस्टर करते हैं। और जो पेमेंट गेटवे है, जो ब्राउज़र पे या पेयू जो भी है, इनको आके ई कॉमर्स का वजह दिखा के पेमेंट गेट पे ले लेता है। मगर जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है तभी पेमेंट गेट पे की तरफ से भी कंप्लेंट जा चुका है और जो यूज़र्स हैं उन लोग भी कंप्लेंट कर चुके थे। इसी की वजह से उस आदमी को पकड़ा है जो एमडी था, मगर एमडी आके मेन पर्सन नहीं है। केरला का एक बिजनेसमैन था जो ये सब ऑपरेट कर रहा था इंडिया में, अनास अहमद करके एक आदमी था, केरला का बिजनेसमैन। दोस्तों अगर फ्यूचर में आप इस नाम का जो भी एप्लीकेशन डेवलपर आप देखते हो, आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। बुलफिंच टेक्नोलॉजीज, HNS वेंचर्स, क्लिफ फोर्ड वेंचर्स, ये तीनों कंपनीज आके फ्यूचर में दूसरे भी लोग होंगे, सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ने से ये ख़त्म नहीं होगा। और भी एप्लीकेशन बना के लोगों को दूसरे तरीके से ये दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप इस तरीके कोई फ्रॉड हो रहा है, अब ज़रूर कंप्लेन कीजिए। आपको जो दिक्कत हुई है दूसरे लोग को नहीं होना है। इसमें मेजरली जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत सा बड़े लोग नहीं करते हैं दोस्तों। जो भी 15,000-20,000 जो काम को जाते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, उनको हायर रिटर्न्स का लालच दिखाकर इन लोग आके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तभी इनको इतना अमाउंट आके आया है। अगर बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट करते और ज़्यादा अमाउंट आके इसमें आ सकता था, मगर जो बिजनेसमैन है जो भी दूसरे हैं उनको अमाउंट आके उतना प्रायोरिटी नहीं होता है। जो भी उन लोग काम कर रहे हैं उसमें उन लोग फोकस रहता है। हमको शॉर्ट टर्म में जो अमाउंट कमाने का जो माइंड में आता है उसी के वजह से हम फंस जाते हैं। सिर्फ ये एप्लीकेशन से नहीं, आपको सोशल मीडिया से भी बहुत सारा आपको स्कैम्स हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में हो सकता है, फेसबुक में हो सकता है, कोई मैसेज भेज के आपको फ्रॉड कर सकता है, और SMS के द्वारा भी आपको फ्रॉड कर सकता है। दोस्तों फ्रॉड करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, आप इसमें मत पड़िए। जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में है उसमें सेफ रखिए। जो भी आपको काम को इंटरेस्ट लग रहा है उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। शायद एक दिन आप बड़े आदमी हो सकते हैं अगर आपका हार्ड वर्क है तो। उम्मीद करता हूँ ये जो शॉर्ट वीडियो था आपको यूज़फुल रहा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो एप्लीकेशन है उसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये आपको डाउनलोड मत कीजिए। इस तरह के
एजुकेशन, इसको डाउनलोड मत कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो पे मिलता हूँ। सेफ रहिए, मास्क सही ढंग से पहनिए। थैंक यू।